नमस्कार, बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। इंडस्ट्री में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जॉन अब्राहम, सोनू निगम, अर्जुन कपूर समेत कई बड़े सेलेब्स इससे संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना का यह संक्रमण अमिताभ बच्चन के घर पहुंच गया है। उन्होंने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में घर में कोरोना से निपटने की जानकारी दी है, लेकिन ये कोरोना किसे हुआ है इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। अमिताभ बच्चन और उनका परिवार साल 2020 में कोरोना संक्रमित हो गया था और उसके बाद से बिग बी और अभिषेक बच्चन लगभग एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में एक मोटिवेशनल कविता शेयर कर लिखा है, लड़ो, लड़ रहे हैं और सभी की प्रार्थनाओं के साथ, अब और नहीं, कोई और डिस्क्रिप्शन नहीं। उन्होंने आगे लिखा, सर्वशक्तिमान की शांति में रहें, जो अपनी कृपा और सुरक्षा के साथ हमें देखते हैं। मानव कई उपेक्षाएं करते हैं, वे हमें क्षमा करता है और हमें उस मार्ग के लिए मार्गदर्शन करता है जो धर्मी है। अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा, हम अज्ञात बल को फॉलो करते हैं, इसकी अभी तक तलाश नहीं हो पाई है और हैरानी है कि क्या यह हो गया, लेकिन हम सुरक्षा के घेरे में हैं। तब तक उन्होंने एक संकेत देते हुए ब्लॉग को समाप्त किया। उन्होंने लिखा, कुछ घरेलू कोविड स्थितियों से निपट रहा हूं। साल 2020 में अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या बच्चन को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और लंबे वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। बिग बी के पिछले साल मई में कोरोना वैक्सीन लगवाया था। अमिताभ बच्चन ने एक बार शेयर किया था कि कैसे उन्होंने आइसोलेशन में इलाज के दौरान अस्पताल में समय बिताया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, यहाँ कुछ लोगों के साथ उनके विचारों पर उत्तर दिए, कुछ स्वयं सोच विचार किया, कुछ पुराने क्रिकेट मैच देखे, कुछ समय विश्राम किया, एक डॉक्यूमेंट्री देखी, नाम नहीं बताऊंगा, दवाओं का सेवन किया, मोबाइल में कितने गुण छुपे हैं उनका ज्ञान प्राप्त किया, प्राणायाम किया। तो क्या कहना है आपको इस कोरोना के बारे में, कमेंट्स करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।